अचानक से ली तो नीरे नीरे, अचानक से मुंह से ही ली मैंने, नाक से नहीं ली, लेकिन अब इत्मीनान से गा रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, नाक से सांस ले रहा हूं क्योंकि इसमें ब्रेक्स हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है बड़ा ही कि नाक से सांस लेने की मुंह से, तो सिचुएशन अनुसार है। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। बनाओ झूठी बत्तियां हमसे, कहे बनाओ झूठी बत्तियां हमसे। मैं तो जीती हूँ तोहरे दम से, कहे बनाओ झूठी बत्तियां हमसे। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो की ही तरह इस वीडियो में भी थोड़ा अजीब सा एक सवाल है, थोड़ा फनी भी है और वैसे एप्ट भी है, थोड़ा ज़रूरी भी है सवाल, मगर ये सवाल अंडरस्टूड सवाल है मेरे ख्याल से। इसमें सवाल करने जैसा कुछ था नहीं, इसका जवाब आपको मैं अभी जब समझाऊंगा तो आप ही को लगेगा यार ये कोई सवाल हुआ नहीं। आप में से बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये क्या सवाल हुआ, पर बहुत हैं जिनका ये सवाल है, इसीलिए मुझे तो सबके लिए क्लियर करना ही पड़ता है। तो सवाल यूँ है, बड़ा सिंपल सा है कि गाते गाते सांस जो है वो नाक से लें कि मुँह से लें, ठीक है? तो ये बड़ा मतलब इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं थी, पर ठीक है, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि सांस नाक से लेनी चाहिए कि मुंह से लेनी चाहिए। और इसको मैं थोड़ा और इसकी लेयर्स में जाऊं अगर इस सवाल की सिचुएशंस के हिसाब से, तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, माइक रिकॉर्डिंग करते हैं, तब ये सिचुएशन अप्लाई करके देखिए कि नाक से सांस लेनी है कि मुंह से, और सांस लेनी कैसे है बेसिकली गाने के बीच में, जो कि उसमें आए नहीं, साउंड में नहीं आए, है ना? क्योंकि आपने कई ओल्ड रिकॉर्डिंग सुनी होगी, पुरानी गायकों की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उनकी जो ब्रीदिंग टेक्निक थी गाने के बीच में, उसमें कई बार सांस आ जाती थी, कई बार सुनाई दे जाती थी और कई बार नहीं देती थी। फिर धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप हुई है, बट ऑफकोर्स माइक्स भी बदले, साउंड सिस्टम बदला, रिकॉर्डिंग सिस्टम बदला है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें और भी ठीक हुई हैं, पर अभी भी काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं है कि सांस का कैसे क्या रोल रहता है, तो वो इस वीडियो में चर्चा करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले तो बेसिक सी चीज़ है कि नाक से सांस लेने के लिए यू नीड टाइम, है ना? थोड़ा वक्त, थोड़ा स्पेस अगर आपको मिलता है तो आप इत्मीनान से नाक से सांस लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जब लय चल रही होती है हमारी, ये फ़र्क ना जब शास्त्रीय संगीत और लाइट संगीत में ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइट संगीत में क्या है, वो निश्चित है चीज़, वो ताल चल रही है, दादरा चल रही है, धा धिन्ना धा धिन्ना धा धिन्ना धा धिन्ना, तो ये लय चल रही है, वो टूट नहीं सकती, आप उसमें बदल नहीं सकते, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। शास्त्रीय संगीत इतना स्वतंत्र है, उसमें एक आवर्तन निकल भी जाएगा तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो और लगेगा हाँ क्रिएटिविटी थी। पर जो लाइट म्यूजिक है, गीत हैं बेसिकली जो, और गीत ही होंगे क्योंकि गज़ल में भी हम थोड़े बहुत लंबा खींच लेते हैं, वेरिएशंस कर लेते हैं, और ठुमरी और भजन में भी कर ही लेते हैं, मगर गीत में क्या है, हम इतने वेरिएशंस करते नहीं है, वहाँ कट टू कट चलता है मामला, तो वहाँ सांस ले पाना मुश्किल होता है नाक से, इसलिए हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दी से मुँह से ले लेते हैं। और बट ऑफकोर्स जहाँ तक बात साउंड की है, तो हम एकदम ऐसे खींच के तो सांस लेंगे नहीं कि साउंड इतना तेज़ आ जाए, हल्की सी लेनी होती है, और मुँह से भी
ऐसे भी नहीं लेना है एकदम कि जैसे सांस ही कम पड़ गई हो, है ना, इतनी ऐसी कभी ज़रूरत आती नहीं है। बीच बीच में लय को मद्देनजर रखते हुए और वो शब्द न कटे ये देखते हुए हम सांस ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, आप बेगम अख्तर को सुनिए, बेगम अख्तर की जो गायकी है उसमें आपको सांस का रोल बड़ा अजीब नज़र आएगा, क्योंकि उनकी सांस टूट जाती थी तो जब वो दोबारा उसी शब्द को लेती थी तो पूरा शब्द नहीं बोलती थी, जहाँ सांस टूटी थी वहीं से उस शब्द को कंटिन्यू करती थी। जैसे अगर मैं उनकी एक गज़ल सुनाता हूँ, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, ठीक है। तो चलिए ये तो फिर भी थोड़ी रिदमिक है, तिन तिन ना धिन दिन ना ना धिन दिन ना ना तिन, ये फिर भी रिदमिक है थोड़ी। इससे भी स्लो गजलें जो उन्होंने गाई हैं और या ठुमरियां गाई हैं उसमें कहीं शब्द कट गया तो वो कैसे करेंगी, मैं इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के, नया, तो उन्होंने की को छोड़ा तो ई से कंटिन्यू किया, याद को छोड़ा तो आ से कंटिन्यू किया, ये वो अक्सर करती हैं, आप नोट करिएगा, है ना, ये उनका स्टाइल है अपना गाने का। तो ऐसा हमें वैसे करना नहीं होता है जब हम गीत गा रहे हैं, चलो वो तो स्लो में गा रही हैं तो किया जा सकता है और थोड़ा शास्त्रीय अंग है तो किया जा सकता है, मगर हम जब गीत गा रहे हैं एक लय चलती है उसमें, एक दो तीन चार एक दो ऐसा चल रहा है गीत, तो उसमें ये सांस लेना बड़ी और सांस छोड़ देना और शब्द को आधा बोलना ये गलत हो जाता है, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना शब्द बोला क्या आपने, शब्द भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सांस जो है ज़्यादातर हम नाक से ही लेते हैं, है ना, और मुँह से ही छोड़ी जाती है, गाते गाते अपने आप निकल जाती है वो। रियाज करते समय लोग पूछते हैं कि नाक से सांस लें कि मुँह से लें, तो तब तो नाक से ले सकते हो क्योंकि इत्मीनान का समय है, वहाँ तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, वहाँ तो कोई लय नहीं चल रही है ना। लेकिन जब अलंकार कर रहे हो तो अचानक से सांस लेनी है तो फिर आप बट ऑफ कोर्स मुंह से ही लोगे, जैसे कि प ध नि सा रे ग म प प म ग रे सा नि ध प ग म प ध म प ग प सा। अब ये मैंने अचानक से कहां से ली, मुंह से ही ली, ग प ध सा नि रे सा ग प म प सा ग नि नि रे, अब ये अचानक से ली तो नि रे नि रे, अचानक से मुंह से ही ली मैंने, नाक से नहीं ली। लेकिन अब इत्मीनान से गा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नाक से सांस ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ब्रेक्स हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है बड़ा ही कि नाक से सांस लेनी कि मुंह से, तो सिचुएशन अनुसार है, जहाँ समय है नहीं वहाँ तुरंत मुंह से लेनी है बिना साउंड करे एकदम ही से, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, थोड़ी थोड़ी लेनी है ना, और जब इत्मीनान का समय है तब नाक से लेनी, जब आराम का समय है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा सवाल था, और जहाँ तक माइक की बात है माइक में भी ये ख्याल रखें कि जोर से न ले सांस कि वो सांस की आवाज़ उसमें आ जाए, है ना, बाकी तो फिल्टर वगैरह रहते ही हैं तो उससे तो कम हो ही जाती है, एडिटिंग से भी हो ही जाती है, मगर फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोज़ को, एंड ऐसे ही मैं कुछ नए नए टॉपिक्स आप तक लाता रहूँगा, आप ही के सवालों को हल करता रहूँगा। सब्सक्राइब करें चैनल को।